हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एसएफ किचन। आज हम बनाएंगे बकराईद स्पेशल हैदराबादी तला हुआ गोश्त। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने आधा किलो बिना हड्डी का गोश्त ले लिया है, उसमें एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। उसके बाद आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अब उसमें एक गिलास पानी डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और कुकर का लीड लगा देंगे। इसे हमें बॉईल कर लेना है। गोश्त को हम 80% तक ही बॉईल करेंगे। अब गोश्त अच्छे से बॉईल हो चुका है, उसका सारा पानी भी ड्राई हो चुका है। फ्राई पैन में हम 4 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। उसके बाद जो हमने गोश्त को बॉईल करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। गोश्त को अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है कि अच्छे से ये कड़क हो जाए। अब गोश्त अच्छे से फ्राई हो चुका है, गैस का फ्लेम हम अभी लो कर देंगे। उसके बाद इसमें हमने 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालें और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अभी इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते और 2 हरी मिर्ची को चीरा मार के। अब इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा। अब इसमें हम 1 नींबू का जूस डाल देंगे। खट्टा आपको जितना चाहिए आप रख सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इसे अच्छे से मिक्स करके ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हमारा हैदराबादी तला हुआ गोश्त बनकर रेडी है। आप खट्टी दाल और चावल के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।